प्रोजेक्ट पिक्सलेज का एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए, जो कि एक ऑफिशियल अपडेट है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जो कि आपको इसे इंस्टॉल करने से पहले जानना जरूरी है, क्योंकि इस रोम का स्मूथनेस तो भाई बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की, आपको फुल मज़ा दिलवाने वाला है स्मूथनेस के मामले में। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि मे भी आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि इसे यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हो, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि भाई आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे रोम्स के ऊपर तो मेरा मन भी नहीं करता हर एक रोम को चेक करने का। तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अगर इस रोम के फीचर्स की बात करें तो ये पिक्सलेज रोम है, तो पूरा बिहेवियर इसका है जो पिक्सल जैसा ही कस्टमाइजेशन के मामले में रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पर्सनली इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिसके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहले चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि आपको देखने को मिलता है इसका जो हाइपर वाला कैमरा, जो कि हमारा लाइका कैमरा भी आप कह सकते हो, प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो कैमरा से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑडियो क्वालिटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डॉल्बी दिया गया है, तो ऑडियो आउटपुट भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। बट डोंट वरी, मैं आपको ऑडियो आउटपुट सुना देता हूँ कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा ऐड कर दिया करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप कि आपको इससे आइडिया लग गया होगा ऑडियो के मामले में। ऑडियो आउटपुट काफ़ी सही हमें देखने को मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे BCR देखने को नहीं मिलता है, वही गूगल का डायलर से ही आपको कॉल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है कुछ यूजर्स के लिए। अनदर अगर हम अपने सेटिंग की बात करें तो अबाउट में आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है, इसका जो वर्जन है वो है 2.7 ऑफिशियल, हमारे मेंटेनर का नेम देखने को आपको मिलता है। 5 अप्रैल का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच ऐड करा गया है, बाकी कर्नल और बिल्ड नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि सही है। बाकी हम यहाँ पे बैक की आते हैं तो स्मूथनेस के मामले में तो मैं कहूँगा भाई वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो फील आता है वो ऐसा लगता है मैं विदाउट टेम्पर ग्लास के अपने फोन को यूज करूँ, वो भी अनबॉक्स करने के बाद फर्स्ट टाइम। इतना ज़्यादा स्लिपरी और स्मूथनेस फील होती है, जैसा कि शायद ये किसी किसी रोम में मैंने आपको बताया है, एक दो रोम थे जिसमें इस तरीके से फील हुआ था, और सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी बेसिक जो कि मोड्स के फीचर्स आजकल सभी में आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, जो कि प्रॉपर वर्किंग है। अगर हम आते हैं सिस्टम के अंदर तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि हाई डेवलपर स्टेटस है, प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है स्पूफ करने का, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जेस्टर्स के अंदर हर एक बेसिक से कॉमन से फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे, और पावर मेनू में एडवांस पावर मेनू भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही आपको सही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, और सर्कल टू सर्च भी यहाँ पे दिया गया है जो कि यहाँ पे आपका काम करता है, तो दिक्कत की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सिस्टम डायग्नोसिस भी दिया गया है जो कि आज के टाइम पे बेसिक हो चुका है हर एक एंड्रॉयड 15 रोम के अंदर। यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी यहाँ पे आपका जो प्राइवेट स्पेस मिल जाता है एंड्रॉयड 15 का, बाकी यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शंस और डिवाइस इनक्रिप्टेड देखने को मिलेगा, जो कि सही है। अनदर यहाँ पे बैटरी की बात करें तो नया चेंज आ चुका है, वो है टर्बो चार्जिंग का, बट ये कैसा परफॉर्म करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑन कर रखा है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देखोगे कि 10 मिनट में 21% और यहाँ पे 20 मिनट में 42% गया है, जो कि मैं कहूँगा कि कुछ खास 90 वॉट का चार्जिंग पावर सप्लाई यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मुझे स्टिल लगता है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है चार्जिंग के मामले में, फास्ट तो कर रहा है बट थोड़ा सा और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से अपना चार्जिंग का पावर कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको स्लो चार्जिंग करना है कहीं जा रहे हो लगा के तो ये कर दो कि धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा, आपको थोड़ा जल्दी चाहिए तो ये कर दो, मीडियम के हिसाब से यहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी अनदर यहाँ पे प्रोफाइल देखने को मिलता है जहाँ से आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली टेस्टिंग पे ही रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपका फोन वार्म हो रहा है और फिर भी परफॉर्मेंस निकालना है तो इसका हेल्प आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल तो आपको मिलता ही है, बैटरी यूजेज वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर आते हैं तो वही सारे बेसिक से ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और AI का वॉलपेपर ऑप्शन दिया गया है जो कि आप खुद से यहाँ पे जनरेट वगैरह जो कर सकते हो, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हाई टच रिस्पॉन्स का ऑप्शन, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, रिफ्रेश रेट के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, पर ऐप का डबल टैप टू बैकअप स्लीप वगैरह है, यहाँ पे कलर कंट्रास्ट वगैरह है, आइकन मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे वो NR HD वगैरह को आप चेंज वगैरह कर सकते हो। डार्क मोड में आपको प्योर ब्लैक का ऑप्शन मिल जाता है जो कि सभी लोग
यूज करते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर डायनेमिक लॉक वगैरह ऑलवेज ऑन वगैरह आपको मिलता है। तो ब्राइटनेस से रिलेटेड दो चीजें मैंने नोटिस की है। पहला कि यहाँ पे ब्राइटनेस का जो पावर है वो काफी ज्यादा है, डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट रहती है इस रूम के अंदर। आप फुल ब्राइटनेस पे अगर लेके जाओगे ना तो इतना ज्यादा ब्राइट हो जाता है कि आपको देखो कि कैमरे में दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। और मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी मैं रूम से रिव्यू करता ना उनके ब्राइटनेस में कभी कभी यहाँ पे या फिर यहाँ पे सेट करके वीडियो करता हूँ, बट मुझे इस रूम को डालने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस सेट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस रूम के अंदर मुझे ब्राइटनेस का जो क्वालिटी है, जो हार्स लाइटनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो आपको आउटडोर में तो 1% भी दिक्कत नहीं आने वाला, तो ये मुझे एडवांटेज लगा ब्राइटनेस के मामले में। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज ये लगा कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस स्लाइडर है ना, ये उतना ज़्यादा स्मूथ काम नहीं करता। अचानक से जो लाइट आने के बाद जो बूस्ट हो जाता है आपका ब्राइटनेस, और अचानक से सडनली डाउन हो जाता है। तो ऑटो जो ब्राइटनेस है वो उतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं आपको दिखाता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। बट ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, काम अच्छे से कर रहा है, बट अचानक से डिस्प्ले आपका फुल ब्राइट, अचानक से फुल लो, इस तरीके से बिहेव मुझे देखने को मिला है ब्राइटनेस से रिलेटेड। तो मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि आने वाले टाइम में हो जाएगा। साउंड के प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे एडिशनल का ऑप्शन मिल जाता है, क्लियर स्पीकर है, डॉल्बी वगैरह है, और बाकी अदर बेसिक से ऑप्शन यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाते हैं। बाकी हम बैक की ओर आते हैं तो आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे हिस्ट्री वगैरह है, कूल डाउन का फीचर्स मिल जाता है, और ऐप्स के अंदर यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं बट ऐप्स लॉक, क्लोन ऐप्स वगैरह और गेम स्पेस दिया गया है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसमें कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बेसिक में भी आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेटवर्क के अंदर सो डेटा डिसेबल का ऑप्शन, 4G का डेटा यूजेज का, और नेटवर्क ट्रैफिक का, जो कि काफ़ी हद तक बेसिक और काफ़ी सिंपल है क्योंकि ये पिक्सलेज रोम है और काफ़ी हद तक ये सिंपलिसिटी को फॉलो करता है और परफॉर्मेंस और स्मूथनेस को ज़्यादा यहाँ पे प्रीफर करता है। और वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को भी मिलती है इस रोम की तरफ से, क्योंकि स्मूथनेस तो भाई रियली में लाजवाब है, जिसका मैं कहूँगा कि कोई भी तोड़ नहीं है। वहीं पे बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस वगैरह की, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, तो चलिए रिजल्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती, कैमरा वगैरह हमारा काम करता है, नो इशूज। डिवाइस की बात करें तो आपका सर्टिफाइड रहता है, बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे, और यहाँ पे आपका जो सेफ्टी नेट वगैरह है वो पास रहता है बेसिक और डिवाइस वाला, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आने वाला, आप मजे से सारी चीज़ें यूज कर पाओगे। L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे इस रूम की तरफ से मिल जाता है। AnTuTu के स्कोर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी हाई स्कोर आपको देखने को मिलता है जो कि अच्छा है और नॉर्मली ऐसा ही आता है। CPU टोटल में आप देखो कि यहाँ पे मैक्स काफी अच्छा है जो कि 4,47,000, मिनिमम 3,80,000, 86 का परसेंटेज है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। Geekbench काफी टॉप नॉच है, काफी बेहतरीन है, आई नो कि सिंगल थोड़ा और बेटर हो सकता था बट अच्छा है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 59 के बाद मॉर्निंग में आता है 56, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे हमें जो बैटरी का ड्रॉप देखने को मिल जाता है, अरे मैंने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया है आई थिंक, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ड्रॉप नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह है और यहाँ पे स्क्रीन ऑफ टाइमिंग है। 20 आवर्स में 7% का ही बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि मैं कहूँ कि नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें सही देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर अगर इसके चेन लॉक की बात करें तो ये हमारा डिवाइस चेन लॉक, यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह इंप्रूव किए गए हैं और साथ साथ चार्जिंग कंट्रोल ऐड किया गया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया 90 वगैरह का ऑप्शन है। बाकी कुछ चीज़ें और इंप्रूव की गई है स्वामी पार्ट्स में, जो कि गेम बार है V4 वाला ऐड कर दिया गया है और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह है। और साथ साथ यहाँ पे हम बात करें अपने जो डिवाइस के अलावा सोर्स चेन लॉक की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका है जो यहाँ पे ऑफ में अलार्म का फीचर्स ऐड कर दिया गया है और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया, थोड़े बहुत मिसलेनियस इंप्रूवमेंट किए गए हैं। तो चेन लॉक ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ जो कुछ भी इंप्रूवमेंट है काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूँगा कि चार्जिंग से रिलेटेड थोड़ी सी और काम करने की जरूरत है और ऑटो ब्राइटनेस भी थोड़ा सा और बेटर होने की जरूरत है। और यहाँ पे अगर BCR ऐड कर दिया जाए उनके लिए जो कि कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मज़ा सा ही आ जाएगा। तो रोम इतना बुरा नहीं है और इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि नेक्स्ट लेवल भी नहीं है, लेकिन हाँ जो स्मूथनेस मिलती है, जो चीज़ें आपको मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन निकल के आती है। और यहाँ पे अगर गेमिंग सेटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम प्लस ही देखने को मिलता है गेमिंग में, जो कि अल्ट्रा एक्सट्रीम का फीचर्स आता है वो यहाँ पे नहीं निकल के आता है, क्योंकि इस रोम और पिक्सल वाइज में सिमिलर सेटिंग आपको देखने को मिलता है। रही बार डालना कैसे है, तो वही ADB साइड लोड का मेथड फॉलो करना है, जो कि मैं एंड में आपको दिखाने वाला हूँ। और हाँ, स्टार्टिंग में जब भी आप इसे फ्लैश करके सेटअप करोगे ना, तो कीबोर्ड के ऊपर जो नीचे के बटन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2 ये सारे आइकन, ये आपके काम नहीं करते, ये FW का कुछ लोचा है। ये चीज़ मैंने पोको F5 में भी नोटिस किया है कि सेटअप के टाइम पे ये सारे बटन आपके काम नहीं करेंगे, बहुत हार्डली आपको प्रेस करना पड़ेगा, कई बार इस तरीके से ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो काम करता है। क्योंकि जब आप सेटअप करते हो तो वहाँ पे स्किप का, नेक्स्ट का, डोंट कॉपी का, ये सारे बटन्स वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कई बार इस तरीके से प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके जो ये काम करेगा। तो सेटअप के टाइम पे एक बार थोड़ा सा दिक्कत आता है जरूर, लेकिन जैसे आप सेटअप कर लोगे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा किसी भी जगह पे टच हुए का, और स्मूथनेस वाइज रियली में कूल रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपना ओपिनियन शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। स्टेप बता रहा हूँ उसे ध्यान देना है और फॉलो करना है। पावर ऑफ करने के बाद
पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन है जो फास्ट बूट पे ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका। अब आपको अपने फोन को पीसी से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास पीसी नहीं है, आपके पास सिर्फ फोन ही है, आप फोन मेथड फॉलो करना चाहते हो, तो मेरा फोन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का नाम रख रखा है विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड, तो उसे देख लेना, उसमें वीडियो मिल जाएगा विदाउट पीसी के फ्लैश करने का मेथड। उसे देख के सेम मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आप अपने फोन पे भी फॉलो कर पाओगे। अब जो भी इंपॉर्टेंट फाइलें आपको बताई गई है, वो सभी डाउनलोड करके अपने पीसी पे रख लेना है, या फिर आप फोन से कर रहे हो तो फोन में रख लेना है। और एक प्लेटफॉर्म टूल की जरूरत पड़ेगी पीसी पे, जिसे आपको डाउनलोड करके अनजिप करना है, और इसी के अंदर सारी फाइलों को मूव कर लेना है, जो भी रिक्वायर्ड फाइलें हैं। तो मैंने यहाँ पे मूव कर लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी, जो कि आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर टाइप करना है cmd, यहाँ पे टाइप करते ही विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है नहीं, तो उसका कमांड टाइप करना है वो डिवाइसेज इंटर। जैसे करोगे यहाँ पे कोड नजर आ जाएगा, यानी कनेक्टेड है नहीं है, तो आपको ड्राइवर अपडेट करने की जरूरत है। अब जरूरत है रिकवरी फ्लैश करने की, हमेशा सपोर्टेड रिकवरी ही यूज करना। अगर सेम रोम है तो उसी का रिकवरी ले लेना, नहीं मिल रहा है तो किसी और रोम का भी रिकवरी आप यूज कर सकते हो, बस काम करने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कमांड डालने के बाद, और इंटर पे क्लिक, यहाँ पे फ्लैश हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। एरर आया तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, मे बी रिकवरी का प्रॉब्लम है, या फिर ड्राइवर का, या फिर केबल का। अब यहाँ पे फ्लैश हो जाने के बाद नेक्स्ट कमांड डालेंगे फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, और इंटर पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका फोन स्विच करेगा रिकवरी के मोड में। हमारा रिकवरी आ चुका, आपका डिफरेंट रोम रहेगा तो उसी के नाम से इसी लुक में डिफरेंट नाम का रिकवरी आपको नजर आएगा, लेकिन यूजर इंटरफेस काफी हद तक ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है। अगर आप टच काम करें तो टच का यूज करते हुए आप फैक्ट्री रीसेट कर लेना, अदरवाइज वॉल्यूम अप एंड डाउन और ओके बटन यानी पावर बटन का यूज करते हुए आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हो जाने के बाद इंस्टॉल अपडेट पे आना है, ADB साइड लोड पे आना है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा ADB साइड लोड। ये सेम चीज आपको पीसी पे टाइप करना है, टाइप कर दिया। अब जो भी रोम आप फ्लैश कर रहे हो, जो भी सपोर्टेड है, उसे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अगर आपको रिक्वायर्ड किया गया है FW फ्लैश करने के लिए, तो सेम ये कमांड डालने के बाद आप जो FW को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, जो भी फाइलें हैं सबसे पहले डाल लेना, उसके बाद रोम को डालना। तो मैंने रोम डाल दिया क्योंकि FW यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि 5-10 मिनट का टाइम लेगा। अगर यहाँ पे एरर आता है तो केबल को डिस्कनेक्ट करना, फोन को फिर से रिबूट कर लेना और फिर से ट्राई करना, आपका फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद लास्ट में इस तरीके से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है यस नो का, तो आपको यहाँ पे यस करना है, जिससे आपका रिकवरी को रिबूट होके है जो फिर से ऑन होगा। अगर आप किसी डिफरेंट रोम का रिकवरी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे रिबूट के टाइम पे आपका रिकवरी चेंज हो सकता है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, चेंज हो रहा है तो होने देना है। और मे बी कुछ ऐसे रोम रहते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने यप रोम फ्लैश किया था, उसमें इसी टाइप का रिकवरी है, लेकिन वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, बट प्रोसेस सेम ही रहेगा साइड लोड वाला, जो कि ADB साइड लोड है, तो बस सेम फॉलो करते रहना। अब यहाँ पे मैंने ये फ्लैश कर लिया, इसमें ना ही मुझे निक गैप डालने की जरूरत है, ना ही FW डालने की जरूरत है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालूंगा, लेकिन आपको डालना है एक्स्ट्रा चीज़ें, रिक्वायर्ड की गई है, तो क्या करना है, सिंपल से फिर से यहाँ पे इंस्टॉल ADB पे आना है, और कमांड आपको टाइप करना है पीसी पे, जो कि होगा आपका ADB साइड लोड स्पेस। अब जो जो फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे निक गैप्स रिक्वायर्ड है, उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, या फिर कोई रूट करने की जरूरत है तो उसकी फाइलें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कमांड ये सेम रहेगा, बस आपको 1x1 करके जो भी एक्स्ट्रा फाइलें हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फ्लैश करते जाना है 1x1, जैसे कि अभी मैंने रोम को फ्लैश किया है। सब कुछ फाइनल हो जाने वाइट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बैक और एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लेना है सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे है जो आपको रिबूट कर लेना है सिस्टम। कुछ ही देर में आपका फोन ऑन हो जाएगा और आप यूज कर पाओगे इजीली। ये गाइड मैंने इसलिए बनाया है ताकि हर एक इस टाइप के रोम के फ्लैशिंग गाइड में मैं ऐड कर सकूँ, क्योंकि आप लोग कहते हो कि लास्ट में फ्लैशिंग गाइड बता दिया करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये शूट कर रहा हूँ ताकि हर एक वीडियो में ऐड कर सकूँ, आपको सेपरेट वीडियो जाके वॉच ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई काफी ज्यादा डिफिकल्ट वाला फ्लैशिंग गाइड रहेगा तो वो तो मैं आपको अलग से दे ही दूंगा, लेकिन सिमिलर टाइप का रहेगा तो सभी के अंदर मैं यही है जो वीडियो ऐड करने वाला हूँ। इसलिए आपको फाइल पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, जो कि मैंने यहां पर बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।